साथ साथ में देखिए बॉइल फ्राई जाने लग गए। ये कितने की प्लेट है भाई साहब? हो गए 70 हो गए, 70 अंडे चले गए इसमें यार। ये देखो पूरा भर दिया माशाल्लाह। और देखो क्राउड देखो यार, जो रेसिपी है तैयार कर रहे हैं। और जो मूंगफली की तेल की जो खुशबू आ रही है ना, कितना ज़बरदस्त लग रही है यार। लेग इसमें कट करके डाल रहे भाई साहब। इसमें कितने जाएंगे सलमान भाई? 20 जाएंगे ना? ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल ख्वातीन हज़रात। मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बस यार, आपने हमारा ये होटल आशीष का तो ब्लॉग देख लिया होगा। आज हम लोग आपको ज़बरदस्त एग भुर्जी खिलाने के लेके जा रहे हैं। और ऐसी वैसी एग भुर्जी नहीं, वो 40-50 अंडे की एक साथ बॉयल करके एक साथ भुर्जी बनाते हैं और यहाँ भरूच में बहुत ज़्यादा फेमस है। आज हम लोग जाएंगे अबरार भाई एग भुर्जी वालों के यहाँ पे, जो कि कांथरिया में उनकी लोकेशन है। लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से उनको नेविगेट कर सकें। ये जो अबरार भाई हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अगर स्पॉट की बात करेंगे तो वो भरूच में मेरे टॉप 1 लिस्ट पे था। मैंने उनसे बात भी की हुई थी। तो बस हम लोग वहाँ जाएंगे और उनके एग भुर्जी ट्राई करेंगे। आप यकीन मानो, वहाँ बहुत से टाइप के आपको माशाल्लाह ऑमलेट मिल जाएंगे, एग भुर्जी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 50-60 टाइप के अंडे एक साथ वो एग भुर्जी में बनाते हैं। मतलब प्लेट के हिसाब से फिर वो सब अपने कस्टमर्स को देते हैं। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आ जाएँ चलिए साहब। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और यहाँ अबरार भाई की देखिए, ये क्या मस्जिद है भाई साहब? सामने वाला है, देखिए। हाँ ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये आ गए हम लोग अबरार भाई की एग भुर्जी ट्राई करने के लिए। माशाल्लाह, क्या मेरी इनसे बात हुई भी ऑलरेडी। तो बस हम लोग यहाँ पे इनकी एग भुर्जी ट्राई करेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज हम लोग यहाँ पे भरूच जो आए हैं, हम लोग सबसे मेन जो मेरा था यहाँ पे इनकी एग भुर्जी ट्राई करनी थी अबरार भाई की। देखिए अभी फ़िलहाल ये बस ये कस्टमर का ऑर्डर है, इसके बाद में ये भाई साहब हमारे लिए 40-50 अंडे की एग भुर्जी लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको भरूच में आना पड़ेगा। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितना टाइम हो गया साहब आपको जी? कितना वक्त हो गया ये अपने इसको? ये लाड़ी को 45 साल हो गए। 45 साल हो गया। आपका क्या नाम है? सलमान है मेरा। सलमान साहब, तो सलमान साहब हम लोग आपका वो 40 अंडों वाला एग भुर्जी ट्राई करने के लिए आए हैं, तो हमारे लिए बनाएंगे आप वो? और अपने यहाँ पे क्या क्या मिलता है भाई साहब? बॉयल फ्राई है, बॉयल भुर्जी है जी जी, और कश्मीरी ऑमलेट भी मिलता है। माशाल्लाह क्या बात है। तो इनकी लोकेशन हम लोग आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप कभी यहाँ पे आएँ तो आप इनका एक भी ज़रूर ट्राई कर देंगे। ये अपने लगाएंगे भाई साहब? ये देखिए, ये बॉयल फ्राई लग रहा है। तो माशाल्लाह ये चीज़ के लिए हम लोग जोधपुर से आए हैं। तो ये देखिए साथ साथ में देखिए बॉयल फ्राई जाने लग गए। ये कितने की प्लेट है भाई साहब? 35। कितने आएंगे भाई साहब इसमें? 2 अंडे आएंगे। ये देखिए क्या बात है माशाल्लाह। और टाइमिंग क्या रहते हैं भाई साहब? साढ़े चार से 12 बजे तक। ये प्योर मूंगफली के तेल में फ्राई करें ना, क्या बात है, खुशबू आ रही है यार माशाल्लाह। ये देखिए, ये एक साथ इतने सारे एग बॉयल मैंने कभी आज तक नहीं देखे यार। ये चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको भरूच माना पड़ेगा। मैं ये देखिए कितना गए भाई साहब इसमें? पूरा फुल हो गया। कितना? ये देखिए 50 हो गए होंगे आराम से। ज़्यादा हो गए? 70 हो गए। 70 अंडे चले गए इसमें यार। ये देखो पूरा भर दिया माशाल्लाह। और देखो क्राउड देखो यार, इतना बिजी होने के बाद में भी भाई साहब ने मुझे परमिशन दी यहाँ पे शूट करने की। अल्लाह ताला इनको अजर दे इसका और खूब बरकत से नवाजे। ये देखिए आप, अब सब अंडों को फ्लिप करेंगे। ये देखिए, ये देखिए सब अंडों को फ्लिप करें भाई साहब। ये देखिए क्या बात है। और प्योर मूंगफली के तेल में ये पूरी जो रेसिपी है तैयार कर रहे हैं। और जो मूंगफली के तेल की जो खुशबू आ रही है ना, कितना ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए क्या बात है। पूरा ने इसको पूरा स्प्रेड कर दिया है तवे पे। आप देखें भाई साहब क्या मसाले डालते हैं इसमें। ये क्या डाला भाई साहब ने? रेड ग्रीन चिली ना, ये ग्रीन चिली का पेस्ट चला गया इसमें। ये देखिए क्या बात है। जल्दी चली गई नमक, क्या बात है यार भाई साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त। टोटली नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। तो ये और इसमें ऑयल चला गया।
इन्होंने जो मसाला डाला है पूरा उसको भुनेंगे। देखिए पूरा मसाला इन्होंने भून दिया है प्रॉपरली। अब इसको सबको जो मसाला इन्होंने भुना है वो पूरा इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं वो इक्वली पूरे तवे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। और माशाल्लाह आपको जो भी डिशेज ये बनाएं जितने भी इसमें ये बनेगी प्लेट सबको जायका बराबर जैसा मिलेगी। देखिए क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह ये पूरी मिक्स हो गई। अब प्लेट बननी स्टार्ट होगी। देखिए ये यहाँ पे कस्टमर वेट कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी जल्दी ये लोग, देखिए इनकी जो सर्विस है बहुत जल्दी इन्होंने पूरा तवा खाली हो जाएगा। ये देखिए एक प्लेट में कितने आते हैं भाई साहब? दो बॉयल जाते हैं, दो बॉयल आएंगे और चार उसमें वो भी आएंगे इसके साथ में पाव भी आएगा। तीन पाव आएंगे 35 रुपये में। ये देखिए, ये देखिए फटाफट ये सब चीज़ें जो इन्होंने बनाया है तवे पे वो पूरा ख़त्म होने वाला। देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं भाई साहब का। तो चलिए बस हम लोग भी हमारे प्लेट का वेट करें, जैसे हमारी प्लेट आएगी फिर हम लोग इनका जायका ट्राई करेंगे माशाल्लाह। एक एक प्लेट आएंगे। देखिए प्लेट पूरा तवा माशाल्लाह सब सोल्ड आउट हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा जो बॉयल एग फ्राई है वो रेडी है। इसके साथ में हम लोग बन भी ट्राई करेंगे। बस आप बन भी दे दें। ये देखिए चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए इनको, इन्होंने मुझे बन फ्राई करके दिए और साथ साथ में पूरा मैंने आपको बताया कि कैसे इन्होंने ये बॉयल एग बनाए। ये चीज़ मैंने अभी तक जोधपुर या क्या पूरे इंडिया में कहीं भी ट्राई नहीं किया। और सबसे बड़ी बात माशाल्लाह इन्होंने मूंगफली के तेल में पूरा इसकी रेसिपी तैयार की। चलिए इसको ट्राई करते हैं और बन के साथ में इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। चलो जायका देखते हैं कैसा है। एक नंबर यार, इन्होंने जो ग्रीन चिली का जो पेस्ट डाल के सब जो मसाला जो बना है ना उससे इतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन जो फ्लेवर्स आए ना वो बहुत अच्छे हैं। और मूंगफली तेल का जो तेल है इनका एक नंबर है, उसके जो फ्लेवर या खुशबू आ रही ना माशाल्लाह वो काफ़ी ज़बरदस्त है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद हम लोग। ये देखिए ये हमारा लगा रहे हैं सलमान भाई आप। ये देखिए ये कश्मीरी ऑमलेट लगाएंगे अब हम लोग माशाल्लाह। ये देखिए ये कितने अंडे का आएगा भाई साहब? तीन अंडे का आएगा। अच्छा दो कच्चे आएंगे और एक पूरा ऑमलेट आएगा ना। ये देखिए हार मैं तो मूंगफली के तेल की खुशबू यार देखो आप माशाल्लाह। ये देखिए सब इनके मसाले चले गए। ये देखिए दो तो इन्होंने हाफ फ्राई कर दिए। क्या बात है यार, ये किसका मसाला भाई साहब? ये टमाटर का है। ये देखिए क्या बात है यार, ज़बरदस्त टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारे लिए रह रहा है यार ये तो माशाल्लाह। इसमें बॉयल एग ग्रेट करेंगे भाई साहब। देखिए पूरा इन्होंने जो गर्मा गर्म जो ऑयल है वो इसके ऊपर भी डाल दिया ताकि जो मसाला का जो फ्लेवर है वो सब जगह बराबर ही आ जाए। माशाल्लाह
ये हमारा कश्मीरी ऑमलेट रेडी है, इसके साथ भी आपको बन मिल जाएंगे। ये 80 रुपये का पड़ेगा भाई साहब, ये देखिए ये क्या बात है। चलिए इसका भी जायका हम लोग ट्राई करते हैं, फिर हम लोग आगे चल के बात करते हैं आपसे। एक नंबर यार, कभी कभी क्या होता है कि अगर हाफ़ फ्राई होता है तो मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, लेकिन यहाँ की अगर आप बात करेंगे, जैसे उन्होंने गर्मा गर्म जो इनका वो मूंगफली का जो तेल ऊपर इसके डालते गए, तो उससे बिल्कुल भी इसमें बदबू नहीं आ रही है। और जो टमाटर की इनकी ग्रेवी है ना, वो एक नंबर है। चलिए ये जायका भी हमने आपको ट्राई करवा दिया, इसको पूरा ख़त्म करते उसके बाद फिर आगे चल के बात करते हैं। सलमान भाई आप क्या बनाएंगे? अपन एक भुर्जी बनाएंगे, ये देखिए कस्टमर का रश देखो यार, और फटाफट बस बन रहा है और ये फ्री हो रहा है। ये देखिए ये टमाटर चला गया, आप लोग एक भुर्जी बनाएंगे, ये देखिए ये पूरे टमाटर एकदम फ्रेशली फ्रेशली कट टमाटर है माशाल्लाह। ये देखिए क्या बात है, साथ साथ में सारे कस्टमर फ्री हो रहे। वहाँ बैठने का भी ये जैसा आपने देखा, ये इनका ग्रीन चिली का पेस्ट चला गया, देखिए जबरदस्त हल्दी चलेगी इसमें माशाल्लाह, ये गरम मसाला सब मसाले इनके चले गए। ये देखिए मिर्ची बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, नमक और पैसा डालेंगे इनका, ये मूंगफली का तेल, ये देखो गर्मा गर्म यार बॉयल आ गया, देखो पूरा मिक्स करेंगे, देखिए ये देखिए क्या बात है। और जैसे जैसे एकदम फ्रेश जो ये जो भी डिशेस लगा रहे हैं एकदम फ्रेश बनाते हैं, और साथ साथ में कस्टमर यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी उनका नंबर आएगा। देखिए चलिए तो इसमें बिल्कुल भी इन्होंने पानी यूज़ नहीं किया, आपने जो भी डिशेस मैंने आपको बताई होगी बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया, सारे जो भी मसाले हैं उसके फ्लेवर्स इंटैक्ट इन्होंने रखे हैं। देखिए ऑयल कितना ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं, जो मूंगफली का जो तेल है ना वो कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए इन्होंने जो टमाटर का जो मसाला जो बना ना, कितना प्रॉपरली इन्होंने इसमें पूरा वो भुना है, जो मसाला पूरा भुना है ताकि बिल्कुल भी कच्चा पर नज़र नहीं। आप देखिए बॉयल एग इसमें कट करके डालने वाले, सब इसमें कितने जाएंगे सलमान भाई? 20 जाएंगे ना, ये देखिए 20 अंडों की एग भुर्जी बना, ये देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त। तो देखिए मसाला जो इन्होंने पूरा अच्छी तरह से वो भुना ना, तो जो भी कच्चापन था वो दूर हो गया, और इससे जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मूंगफली के तेल में इन्होंने मसाला बहुत देर तक सलमान भाई ने अपना ये तवे पे मसाले को भुना, और अब ये क्या करें पूरा बॉयल एग जो ग्रेट इन्होंने किया है इसको पूरे मसाले में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि सारे जो जायके हैं वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखिए तो ये 20 अंडों की बनेगी, ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको अबरार एग भुर्जी पॉइंट पाना पड़ेगा, जो कि भरूच में लोकेटेड है। रेडी है भाई साहब?
सुमन भाई ये देखिए, तो हम लोगों ने दो चीज़ को ट्राई किए लेकिन ये अपने का बहुत ज़्यादा हो गया यार। तो आप कभी अगर यहाँ पे आना हो तो आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जाके हमारा वीडियो ख़त्म कर भाई के यहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। हम लोगों ने यहाँ पे तीन टाइप की डिशेज तो हमने शूट की और दो मैंने ट्राई किया। एक तो इनका जो फ्राई बॉयल एग वाला था वो मैंने ट्राई किया और एक इनका कश्मीरी ऑमलेट मैंने ट्राई किया और तीसरा हमने शूट किया, मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन आप कभी यहाँ पे आएँ तो वो भी जायका आप ज़रूर ट्राई करें। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको भरूच पाना पड़ेगा जो कि गुजरात में लोकेटेड है। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।